हेलो दोस्तों, क्रिकेट चैम्स की इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम WBBL U20 लीग का मैच कवर करने वाले हैं, पर्स कोचर वर्सेस मेलबर्न स्टार। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट रन स्कोरर और मोस्ट 50 और विकेट्स ये देखेंगे अपन। सो PDY ने 361 रन किया है, उसमें 250 किया है। हाई स्कोर उसका 103 है, 103 रन उसने हाई स्कोर किया है। उसके बाद बेथ मोनी सबसे हाईएस्ट स्कोरर है इस पूरे टूर्नामेंट में, 476 रन किया है उसने, 450 किया है और हाईएस्ट स्कोर उसका 75 है। उसके बाद मैकलगनी आती है, उसने 381 रन किया है, 550 किया है उसने और 169 उसका हाई स्कोर है। उसके बाद डुपरीज आती है, उसने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 118 रन करके 350 बनाया है। उसके बाद विलानी ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, 250 किया है, 272 रन उसका भी है हाई स्कोर। ये पांच प्लेयर में से आपको किसी न किसी को तो मिस करना ही पड़ेगा, बड़े प्लेयर को एक को छोड़ना पड़ेगा तभी जाके टीम अब ठीक से बनेगा। उसके बाद मोस्ट विकेट में देखते हैं, नेटली सिवर ने 16 विकेट लिया है। उसके बाद सारा गिलियन यह हाईस्ट विकेट टेकर है। उसके बाद एलन किंग कंटिन्यूसली विकेट ले रही है। उसके बाद सोफी डे भी अच्छे परफॉर्मेंस कर रही है और पिचल, ये इनका मोस्ट विकेट टेकर और बैटिंग लाइनअप हो गया, मतलब हाई स्कोरर हो गए मोस्ट रन। तो ये पांच और ये पांच, 10 प्लेयर यहाँ पे हो गए, पर 10 में से आपको एक कोई ना कोई छोड़ना पड़ेगा। अभी वो आपके ऊपर है कौन सा छोड़ना चाहते हो आप। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इनके लेटेस्ट रिसेंटली मैच देखें इन लोग के दोनों के। उससे पहले पिच भी और देखता हूँ, 60% बैटिंग फेवर में है, 60-70% बैटिंग फेवर में है और बॉलिंग पेसर को ज़्यादा मदद करता है। ज़्यादातर विकेट यहाँ पे पेसर नहीं लिए है और स्पिनर को भी सपोर्ट करता है, मतलब ठीक ठाक है, दोनों को भी सपोर्ट करता है बैटिंग और बॉलिंग। बारिश के थोड़े बहुत चांसेस है, बट होगा या नहीं क्योंकि बादल रहेगा तो चांसेस है। और लास्ट मैचेस की बात करें इन लोग की, तो दो दो जीत के आए, तीन तीन हार के आए। चलिए फिर अभी इनके लेटेस्ट मैच देखते हैं अपन। मेलबर्न स्टार का पहला मैच है, ये हार के आ रहे हैं मेलबर्न स्टार, दोनों दोनों टीम लास्ट मैच हार के आ रहे हैं इन लोग का। तो टेसर पिंटो ने 3 विकेट लिया था, आयलैंड किंग ने 1 लिया था, बेहतरीन पॉइंट बहुत महंगी साबित हुई थी। तो किसी को विकेट नहीं मिले, टेसर पिंटो और आयलैंड किंग ये दोनों को विकेट मिली। तो बैटिंग सेक्शन में देखते हैं, विल्डानी ने 44 किया था, लैगनिंग ने 77 किया था। डोपरीज का टुपरीज भी नहीं चली थी, नेटली सिवा 32 किया था, स्विट्जरलैंड और कैथरीन प्लांट 8। तो ये इनका ये था, तो इनमें से एक को तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा, चारों ओपन नहीं ले सकते। नेटली सिवर हो गई, लैनिंग हो गई, विलानी हो गई, तो बाद में देखेंगे। अभी इन लोग का ये लास्ट मैच होगा, पर्स कचर का देखते हैं। सोपी डीवान ने 57 किया था, मोनी ने 60 किया था, उसके बाद कोई चला नहीं इनके टीम में, मतलब कोई कंसिस्टेंट नहीं है अभी तक, ये दोनों के ऊपर ही टीम चल रही है। और मेलबर्न स्टार की बात करें तो टॉप ऑफ द टेबल है और ये 4th नंबर पे है। सो पर्स कोचर तो एमली जोन्स पूरी फिल रही है इस टूर्नामेंट में पूरा। पीपरो ने एक दो मैच में 30+ रन किया है, ठीक ठाक खेली है। बोल्टन ने विकेट से किया है, कुछ मैचेस में खेल रही है, ठीक ठाक है। अभी इस मैच में सारा ग्लेन आना खेलेगी, बोल्टन भी बड़ी प्लेयर है, ऑलराउंडर में आती है, बॉलिंग भी करती है चार ओवर, बैटिंग भी कर सकती है, बड़ी प्लेयर है, कभी भी कुछ कर सकती है इसको, तो ये बात है ना। और मेरे हिसाब से कार्मिचल ने एक मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया था, तो ये भी एक अच्छी प्लेयर है, देखते बाद में हेड टू हेड मुकाबले देखते हैं इन लोग के।
और स्कॉचर, ये देखो इस मैच में शायद डिवाइन नहीं थी, ये देखो डिवाइन नहीं थी इस मैच में। मोनी ने 45 रन किया था और एलन किंग ने आउट किया था उसको 45 रन करके। हेदर ग्राम ने 21 किया था। ये देखो मोतीला कारमेचल 32 किया था इस मैच में, यही मैच की बात बोल रहा था मैं, कारमेचल। उसके बाद बोल्टन भी आउट हो गई थी, सोपी डे ने आउट किया था। रोज मेरी मेयर तो आएंगे नहीं क्योंकि कैथरीन ब्रांड कर लिया है, तो बैटिंग भी कर सकती है, तो रोज मेरी मेयर नहीं आएगी। तो ये एक हो गई कारमेचल, ग्राम हो गई और पोनी पीपर हो, तो कोई ठीक ठाक एक ही मैच में खेल ली थी, फिर बाकी कोई चला ही नहीं। तो बॉलिंग सेक्शन में देखते, रोज मेरी मेयर तो खेलने वाली नहीं है। 3 विकेट लिया था, फिनटॉप को 0 विकेट मिला था, उसके बाद सोपी डे को 3 और एलन किंग को 2 विकेट मिला था। और मतलब बहुत अच्छी बॉलिंग की दोनों ने, तो सोपी डे एलन किंग बॉलिंग सेक्शन में फिक्स। बैटिंग सेक्शन में अभी मुनी यार इसमें मेलबर्न शहर में देखो विला ने फेल गए थे, सहारा के लिए ने आउट किया था उसको, डुप्रीज लगने नहीं, तो एक ये हो गया, एक ही मैच हो गया। उसके बाद एक और मैच है इन लोग का, वो देखते हैं फिर। टीम बनाए बना के रखा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का अपने को। मेलबर्न स्टार किधर गया यार, 2 मैच हुआ था इन लोग का, तो एक में सोफी डिवाइन थी, मैंने देखा था। किधर है किधर है, ये है क्या? हाँ ये मैच है वो, देखो विलानी को इस बार भी सारा गेल ने आउट किया था, 13 रन पे आउट हो गई थी सारा गेल की बॉलिंग पे। और उसके बाद मैकलन ने तो 51 किया था, डोपरेज भी जल्दी आउट हो गई, पीपर ने आउट किया था उसको, नेटली सी और नॉट आउट रही थी, और 120 ही रन बना पाई थी, मतलब जीत गए थे लोग, दोनों मैच जीत गए थे। तो इसमें देखो सारा गेल को 1 विकेट मिला, पीपर को 1 विकेट मिला। उसके बाद टीचल को एक ओवर कम करा है उसने, अगेन इसने ठीक ठाक की थी, टीचल ने तो उसको ओवर नहीं दिया। हैदर राम ने भी ठीक ठाक बॉलिंग की, बोल्टन एक ही ओवर किया बोल्टन ने, तो चलिए बॉलिंग सबने की थी पर विकेट नहीं मिली। सोपी डिपन ने 2 ओवर के 27 बाई की साबित हुई थी इस मैच में। बैटिंग सेक्शन में देखते मोदी को एटली सीवर ने आउट किया था, 90 रन किए थे, 11 रन पे डिवाइन आउट हो गई थी। उसके बाद ग्राम ने 22 किया था, पीपर वो इस मैच में भी खेले। तो बेगन बैंटिंग 80 रन, सारा ग्लैन 30 रन किया था। विकेट सेक्शन में नेटली सीवन ने 2 लिया था, एलन किंग ने 2 और सोपी डी को 1, ऑसबॉर्न ने 1 विकेट लिया था। हाँ स्विट्जरलैंड को 1 विकेट नहीं मिला था दोनों मैच में। तो चलिए दोस्तों टीम बनाते हैं, डायरेक्ट टीम बनाने, टीम बना के रखा है मैंने 3। देखो मोनी लैंगनिंग, पीपरो कार्मिचल, नेटली सीवर और डिवाइन, एक टीम हो गई। फिनटॉप तो महंगी साबित हुई थी, फिर भी लिया मैंने क्योंकि लास्ट 2 मैचेस से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, एंडिंग एंडिंग में दो दो तीन तीन विकेट ले रही, तो इसलिए मैंने इस मैच में लिया है। एक ये टीम हो गई अपनी, उसके बाद एक ये हो गई। इसमें मैंने मैकलगन को ये किया है मैंने आउट किया। यहाँ पे आप लोग फालतून की जगह पे बैटिंग को भी ट्राई कर सकते हो, अगर इन केस अगर इन लोग का बैटिंग लाइनअप स्कोलेब होता है तो ये चौथे पांचवे नंबर पे बैटिंग करने आ सकती है, पांचवे नंबर पर बैटिंग, इसके वजह से ये दोनों। विला ने भी चल नहीं रही है, या सारा ग्लेन ने 2 बार आउट किया उसको, अभी इस मैच में क्या होता है तो पता नहीं।
एक ये टीम हो गई अपनी, और एक ग्रैंड लीग की एक टीम ये बनाई है मैंने। इसमें अपन ने मोनी को ड्रॉप कर दिया है, बाकी सब प्लेयर है, नेटली सीवर, हेदर ग्राम, डिवाइन, बोल्टन, किंग, कैथरीन ब्रांड को इसलिए लिया मैंने, इनके जगह मेलबर्न स्टार का स्कोलिया होता है, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप अच्छा है पर्स कॉचर का। इसकी वजह से अगर स्कोलिया होता है तो कैथरीन ब्रांड चौथे पाँचवें नंबर पे आ सकती है, स्विट्जरलैंड के बाद वो आ सकती है, क्या यार स्विट्जरलैंड के पहले भी भेज सकते हैं, क्योंकि लास्ट 2-3 मैचेस में उन लोग ने ऐसा ही किया था, वन डाउन ही स्विट्जरलैंड को भेज दिया था उसने, जो जिस मैच में 72 रन किया था, तो ये बात ध्यान में रखना। और फिर बाकी और भी बहुत सारा स्टडी करना पड़ेगा इसमें, और स्टडी करूँगा और फिर उसका टीम प्रोवाइड करूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक रहेगा, अगर टेलीग्राम ज्वाइन करने का है तो टेलीग्राम पे जाके क्रिकेट चैम्प्स 11, क्रिकेट चैम्प्स, ये देखो ये क्रिकेट चैम्प्स लाल लोगों में अपना यहाँ पे टीम प्रोवाइड कर देता हूँ, ये ध्यान में रखना, यहाँ से ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे हर मैच का टीम मिलता रहेगा आपको। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं मैच के टाइम, तो सबको गुड बाय, सबको गुड लक और हैव अ नाइस डे।